हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। कल आपने देखा कि हम लोग स्कूल पहुँच गए थे और आज हमने और मौदाह के उस एक दिन में क्या क्या मज़े किए, ये सब आज आपको दिखाएंगे। सो ये हम आ गए हैं वही जगह पे जहाँ मीरा और शुएब का निकाह हुआ था एंड हमारा कबूल है मोमेंट हुआ था, तो इसी जगह पे हम आए हैं, यहाँ से हमने शुरुआत की। सो जब तक मैं सबके घर जाके विज़िट कर रही थी, ये जो हमारी प्लानिंग वाली जो टीम है वो ऑलरेडी यहाँ आ गई। उन्होंने पूरे ग्राउंड का मेजरमेंट ले लिया, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी होता है फिर जब आप डेकोर डिसाइड करने बैठोगे। एंड हमारा एक ही ट्रिप है, बार बार इतनी दूर आना पॉसिबल हो ना हो, इसलिए हम सारा होमवर्क इसी ट्रिप पे करके जाएंगे। अंदर की तरफ दिखेगा वो अच्छा वाला हमको चाहिए। एक वो आपने पूरा बाउंड्री की वही जगह है जहाँ हमने आपसे 4 साल पहले कबूल है बोला। जैसे ही गाड़ी एंटर हुई ना, जैसे ऐसे दिल में कुछ हुआ, क्योंकि यहीं पे था, यहाँ पे जो हमारा मेन स्टेज था वो बना हुआ था, ये पूरा सजा हुआ था और यहाँ बीच में स्पेस है, वहाँ पे जो मेरा छोटा स्टेज था वो बना हुआ था, पानी है। और फिर वो कबूल है बोलने के बाद वो फूलों की चादर में मैं वहाँ से चल के यहाँ छोड़ के तो सब याद आ गया। एंड ये शो है, बहुत मिस कर रही हूँ। हाँ, बहुत बहुत ही मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब इससे अच्छा ग्राउंड अपने को निकाह के लिए नहीं है। ये स्कूल ही है। तो अभी क्या सोच रहे हैं, जो सड़क है ना वहाँ से ये पूरा एंट्री का टनल बनेगा एंड योर स्टेज विल मेक इन द सेम प्लेस वेर इट वॉज माइन। एंड जो मेन खाने का बुफे लगेगा और तंदूर लगेगा वो एकदम एंड में, वो दो सेक्शन में, आधा लेडीज और आधा जेंट्स, लेडीज एंड किड्स और जेंट्स। सो यहाँ पे हम लोग फाइनल डिस्कस कर रहे थे निकलने से जस्ट पहले कि क्या थीम हम सोच रहे हैं, कहाँ कैसा स्टेज होगा, स्टेज का क्या डेकोर होगा, और वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, अभी बता दूंगी तो मज़ा चला जाएगा, लेकिन वो आप शादी के व्लॉग में डिटेल में देखेंगे। एंड जैसा हम डिसाइड कर रहे हैं, अगर वैसा हुआ तो बहुत 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 बहुत, बहुत खूबसूरत लगने वाला है। ऑब्वियसली वेडिंग प्लानर्स हैं तो उनके साथ बहुत बड़ी टीम होगी, वर्कर्स की, हेल्पर्स की, हर तरीके की, तो इसीलिए हमें इस बार गेस्ट हाउसेस देखना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी सारे कमरे हमको चाहिए, तो इसीलिए हम जो आसपास के गेस्ट हाउसेस हैं वो भी डिटेल में चेक करने के लिए आए हैं। बारिश कभी आ जाए प्रोग्राम में। एंड अगेन हमारी म्यूट डिस्कशंस, क्योंकि ये डिस्कशंस क्या हैं ये मैं आपको अभी फ़िलहाल नहीं बता सकती, आई एम सो सॉरी, पर जैसे शोएब कहते हैं ना, सही वक्त और सब्र का फल मीठा होता है, तो ट्रस्ट मी आपको भी ऐसा ही महसूस होगा। ये इतना पूरा किचन हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे इनका लगता भी है, आई कैन सी ऑल दैट। ये किचन है और वो वॉशिंग एरिया, दैट इज द वॉशिंग स्पेस। वेरी नाइस। यहाँ पर और ये कुछ और कमरे जो हम चेक करने के लिए आए थे और हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। सो जिस काम के लिए आए थे काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ सक्सेसफुल रहा, और अब हम जा रहे थे रास्ते में और मुझे दिख गई चूड़ियों की दुकान, तो मैं रुक गई। ये वाली चूड़ियाँ दिखाई।
छोटा साइज जो आता है ना दो दस उसमें चाहिए। ये बड़े हैं मैं पहली बार अपने ससुराल अम्मी या किसी के भी बिना आई, तो अम्मी और सबा के लिए यहाँ से कुछ ना ले जाऊँ तो ऐसा हो नहीं सकता। सबसे अच्छी चीज़ चूड़ियाँ है ना, सबसे बड़ा साइज है इस साइज में, और कौन कौन से ये मेरे साइज का था, ये मैं 3 साल पहले लेके गई थी। नहीं सही है, अभी थोड़ा पसीना आया हुआ है ना, अब सही है बिल्कुल। सीताराम की रबड़ी, क्या बात है। इन्होंने मुझे इतने प्यार से इतनी दुआएं देते देते बैंगल्स पहनाई ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ लो पहन लो, इसको पहना दीजिए। हाँ जी, खूब सारी पेट भर के बैंगल्स की शॉपिंग कर ली, बहुत एंजॉय किया और अभी बैक टू वर्क। ये एक लास्ट गेस्ट हाउस हमें चेक करना था तो हम यहाँ भी आए कारी मामू के साथ सारे रूम्स अच्छी तरीके से देखने के लिए। और ये हमने अम्मी के लिए खास खीरे मंगवाए हैं क्योंकि उनको यहाँ के जो ऐसे गांव वाले वो एकदम देसी खीरे होते हैं वो बहुत पसंद है। और इस बार मैं सोच के आई थी कि मैं उनके लिए ऐसा कुछ एकदम देसी लेके जाऊँगी, क्योंकि जब भी कारी मामू या बेटी खाला अम्मा आते हैं तो वो ऐसा कुछ ही मंगवाती हैं, तो ये खास अम्मी थी। ये देखिए हमारे साथ कौन बैठा है, यस दूल्हे साहब। कैसा लग रहा है सनी, क्या फीलिंग आ रही है? अभी थोड़ा फीलिंग ज़्यादा अच्छी वाली आ रही है। आज के बाद और ज़्यादा आएगी। और तैयारियां तुम्हारी भी चल रही है जोर शोर से? चलो वेरी गुड। तो आज बहुत बहुत मजा आया, बहुत ही शॉर्ट बहुत ही क्विक ट्रिप था, लेकिन हमारे सारे जो ऐसे चेकलिस्ट पे काम थे वो सारे हो गए। हम इनके घर भी गए, इनकी अम्मी से भी मिले, बहुत अच्छा लगा। और अब हम सबका सारा काम हो चुका है, काफ़ी ऑन टाइम हुआ है, आधा घंटा लेट हो गए क्योंकि हमने चूड़ियों की दुकान पर आधा घंटा लगा दिया, पर कोई बात नहीं, इतना तो हक बनता है। बस अब सबने चाय वाय पी ली है और अब हम निकलते हैं और आपसे अब जल्द मुलाकात करेंगे। चलो तो अब वक्त है यहाँ से निकलने का। तो सारे जो आज हमने गेस्ट हाउसेस देखे, सब जो भी था वो सब भागना, वीडियो भेजना, सब कुछ यहाँ का होमवर्क कारी मामू करते हैं। और उसके बाद में सब कुछ बहुत आसान हो गया, लेकिन सब अच्छे से है ना। अब इंशाल्लाह नवंबर में खूब धमाल करेंगे। चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और रास्ते में फिर सो गए और वापसी में फिर आ गए राजपूत ढाबा अपना फेवरेट खाना खाने। क्या बना रहे हो? कढ़ाई पनीर है, वो भी अच्छा लग रहा है। आप कैसे हैं? स्पाइसी कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, पनीर तो क्या क्या मसाला पनीर बड़े स्पाइसी का पनीर बताओ। सब्जी में क्या है? दाल तड़का, बैंगन भरता है, मिक्स वेज है, आलू गुना वाला भरता है। तो दाल अभी पहले 3 दाल और ये कढ़ाई पनीर एक और पनीर बटर मसाला एक मटर पनीर दो, एक मटर बहुत बहुत थक गए। गाड़ी में मस्त हम लोग सोते हुए आए हैं और अभी वापस
आ गए अपने राजपूत ढाबा पे, और आज जैसे ही हम एंटर किए ना, आई थिंक ये पहली बार है कि हम यहाँ प्रॉपर खाना खा रहे हैं, नहीं तो हमने हमेशा या तो पकौड़े या तो पराठे यही खाया है। कि जैसे ही हम एंटर हुए वो बहुत अच्छी दाल बना रहे थे और कुछ सब्जी पनीर की, मैं तो मैं और नेहा वहीं देख रहे थे, दाल बहुत अच्छी है, दाल बहुत अच्छी है, तो हमने उनको दाल चावल का ऑर्डर कर ही दिया और अभी खाना आ गया, अभी खाएंगे फिर चलेंगे छोटे। इससे नीरा आ गया पकौड़े के बिना। ये रिचुअल है, हर टाइम इधर आते हैं पनीर पकौड़े तो मतलब जी 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 मैं भी एक खाऊंगा। मैं भी एक खाऊंगा। फैमिली पहुंच गए होटल रमाडा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज ऑफ लखनऊ है। मैं पहली बार आई हूँ, उससे पहले कभी नहीं आई, देखते हैं कैसे। एंड वाकई में इस पूरे होटल का फील लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, एट द सेम टाइम प्राइसेस बहुत इकोनॉमिकल थे। हम लोगों ने जल्दी से चेक इन खत्म किया क्योंकि फिर हमें डिस्कशंस के लिए बैठना था। पाइनएप्पल है, आप वहां बैठे नियत लगा रहे नहीं ये सब यहाँ है। हाय, वी मिस यू। आप कितने चलाक हो ना, आप मुझे बता नहीं रहे आपकी फोन कर रहे हैं, आपको लगा मैं भूल गई है ना। चलो 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 बाय बाय, थैंक यू। हाँ हाँ हम ऐसे थे, अभी तो लेट गई थी, अब उठ के बैठिए, केक आया तो तमीज में जरा। चलो बाय, थैंक यू, बाय बाय। चलिए कट कीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरती, हैप्पी बर्थडे टू यू। फूके वो नहीं फूक बुझा, थोड़ा दम लगाओ। ये सबसे पहले देखो, बहुत अच्छे से मुंह धो के क्रीम व्रीम लगाया, नींद वाले मूड में लगाना। ये सबसे पहले आहारा की तरफ से। अब आप पूरा खा लीजिए, ये अच्छा है पूरा। हाय रे, चल आ जा हमारी एक फोटो। क्या ठीक है, चिकना हो जाएगा फेस तो और लगाओ। नहीं नहीं बस। इतने थके हुए दिन के बाद भी हम सब एक कमरे में एक साथ बैठे हैं क्योंकि आज हमको काफी चीजें डेकोर वगैरह की फाइनल करनी है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जा रहे हैं और मैं सभा को फोन करती जा रही हूँ और मैं शोएब को फोन करती जा रही हूँ क्योंकि हम कल चले जाएंगे वापस मुंबई और ये यहाँ रुकेंगे, अपना पूरा होमवर्क करेंगे, यहाँ पे जो भी इनको तैयारी करनी है वो करेंगे, तो इसलिए हमने मंगाई है कुछ कॉफी। गुड मॉर्निंग, डन, रेडी टू गो होम। बहुत अच्छा ट्रिप, सारा काम बहुत अच्छे से हुआ, बस अभी हम थोड़े से लेट हो गए तो फटाफट वापस चले। ओली हैप्पी बर्थडे, ये मेरे लिए भी है ना। हाँ जी, है दो कॉफी। यहाँ पे हम मिनी बर्थडे पार्टी कर रहे हैं आरती की। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। बहुत अच्छा ट्रिप ला हम ला तो मैं मैं आउट ऑफ थकान
कल आफ्टरनून से तुतला रही हूँ और एक दो बार मैंने खुद रियलाइज़ किया और मैं थोड़ा ऐसे चुप हो गई क्योंकि मैं इतना दिमाग में इतनी सारी चीज़ें थी, बहुत सारे काम कंप्लीट करने थे, थकान थी, नींद नहीं हुई थी, हर चीज़। और आज चलो मैं और आरती तो हम लोग 2 बजे हम 2 बजे सो गए थे, ये लड़के बिल्कुल नहीं सोए, इनकी शक्लें देखने लायक है। ये देखो बाप रे, शक्ल पे नींद दिख रही है, तो ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। पर चलो, जिस काम के लिए आए थे वो काम अच्छे से कंप्लीट हो गया, अब हम वेट कर रहे हैं फ्लाइट आएगी तो घर वापस। मौदाहा की तैयारियां तो ऑलमोस्ट हो गई क्योंकि एक्चुअली पहले ही बुकिंग हो गई थी, लेकिन हमने जाके सब कुछ देखना था और सब कुछ ओके करना था, वो सब अच्छे से हो गया और अब हम वापस आ चुके हैं मुंबई। और ये एक्चुअली 2 दिन के बाद मैं इस ब्लॉग की क्लोजिंग ले रही हूँ क्योंकि कल और परसों मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, यू नो इतना सारा काम है ना कि ऑलमोस्ट रोज़ निकलना पड़ेगा और रोज़ होता है ना एटलीस्ट इतने हिस्से का काम आपने ख़त्म कर दिया। तो माय बिलव्ड रजिस्टर, ये मेरे बहुत काम आ रहा है, इसके साथ मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ और ये देखिए पिछले 2 दिन का काम ये है। सो आज मैं शायद घर पे ही रहूँगी क्योंकि जो फैब्रिक लेसेस वगैरह सब लेके आई हूँ उसके लिए मैं ट्रांसपेरेंट बैग्स भी लेके आई हूँ, तो मैं उसमें एक साथ डाल के उसका डिज़ाइन ड्रॉ करके किसका किस रस्म का आउटफिट है वो सब आज मुझे करना है। तो वो करने के बाद अगर टाइम बचा, विच आई डाउट, तो मैं बाहर निकलूंगी, वरना आई विल बी एट होम। सो दैट्स इट, मौदाहा का ये ट्रिप हुआ पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट और आपने पिछले वाले ब्लॉग को बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया है, वो अभी भी मैंने लास्ट जो अभी सुबह देखा था वो 9 नंबर पर ट्रेंड करा है, तो थैंक यू सो मच। और बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा एंड जुड़े रहिएगा क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है एंड सबसे ज़्यादा मौदाहा की मस्ती धमाल सब होना बाकी है। सो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, लव यू ऑल।